हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर एंड फटे की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वोजार्ट का एक स्मार्ट प्लग। इस डिवाइस का यूज करके किसी भी वॉल सॉकेट वाले अप्लायंस को स्मार्ट बनाया जा सकता है और उस अप्लायंस को ऑन ऑफ करा जा सकते हैं दुनिया में कहीं से भी। इसको मोबाइल से कंट्रोल किया जा सकता है और वॉइस से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर स्मार्ट शेड्यूलिंग है, इसको लोकेशन बेस्ड ऑन ऑफ किया जा सकता है, इसमें जियो टैगिंग है, इसके थ्रू लाइट अप्लायंसेस और हैवी अप्लायंसेस भी चलाए जा सकते हैं क्योंकि ये 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों लोड के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस एप्पल होम किट, गूगल होम, एलेक्सा और सैमसंग स्मार्ट थिंग्स के साथ कंपैटिबल है और इसके साथ मिलती है पूरे 3 साल की वारंटी। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसके अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है रिटेल पैकिंग इस वोजार्ट के स्मार्ट प्लग की और एक कोरोगेटेड पैकिंग है, मैट फिनिश के अंदर है। इसके फ्रंट में प्लग की फोटोग्राफ है, साइड में कंपनी की वेबसाइट लिखी हुई है और इसके इस साइड में बॉक्स कंटेंट लिखी हुई है और ये हमें बताता है कि ये जो डिवाइस है ये मेड इन इंडिया डिवाइस है। और इसकी बैक साइड हमें बताती है कि इसके अंदर जो डिवाइस है वो एप्पल होम किट, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और स्मार्ट थिंग्स के साथ कंपैटिबल है। इसकी डायमेंशन 76.5x50x69 mm है। ये वाईफाई 2.4 GHz पे काम करता है, हैवी वोल्टेज सपोर्ट करता है, वॉइस कंट्रोल्ड है, इसके अंदर स्मार्ट शेड्यूलिंग है और ये रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। इस बॉक्स के अंदर एक वेलकम कार्ड मिलता है जिसके अंदर 10% डिस्काउंट का कूपन है, एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है जिसकी बैक साइड में QR कोड है जिसको स्कैन करके पता लगेगा कि डिवाइस को कॉन्फिगर कैसे करना है, एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसकी बैक साइड में सेटअप कोड स्टिकर है और एक मिलता है इसका मेन यूनिट जो कि है वोजार्ट का स्मार्ट प्लग। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और बहुत ज्यादा प्रीमियम लुकिंग है। इसके फ्रंट में ब्लैक कलर टोटली ग्लॉस फिनिश के अंदर है और इसके साइड में जो व्हाइट कलर है ये कंप्लीटली मैट फिनिश के अंदर है। तो इसका जो एक कॉम्बिनेशन है ग्लॉस और मैट का, ब्लैक और व्हाइट का, वो इसको बहुत ज्यादा सुंदर बनाता है। और इसके फ्रंट में एक सॉकेट है जिसके अंदर कोई भी वॉल माउंट सॉकेट लगाया जा सकता है और उससे कनेक्टेड अप्लायंस को स्मार्ट बनाया जा सकता है। इसके फ्रंट में एक रीसेट बटन है और इसकी बैक साइड में 3-पिन पावर पॉइंट है। ये एक 15 एम्पियर वाला पॉइंट है तो ये बड़े वाले सॉकेट में लगेगा। और इसके बॉटम में 2 स्टिकर्स लगे हुए हैं जो कि सेटअप कोड स्टिकर्स हैं। इस डिवाइस से कनेक्टेड अप्लायंस को कहीं से भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है मोबाइल ऐप का यूज करके या फिर वॉइस कमांड का यूज करके। इसके अंदर स्मार्ट शेड्यूलिंग है तो इसका यूज करके इससे कनेक्टेड अप्लायंस को ऑन या ऑफ किया जा सकता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। और तो और इस डिवाइस के अंदर जियो फेंसिंग मिलती है तो इससे कनेक्टेड अप्लायंस को अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ किया जा सकता है। मैंने इस डिवाइस को अपने एसी के साथ लगाया हुआ है और सेट कर रखा है कि जब मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर पे होता हूं तो मेरा एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और जब मैं घर से जाता हूं 2 किलोमीटर रेडियस मेरा जैसे ही क्रॉस होता है तो मेरे घर का एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब एक बार इस डिवाइस को ऑन करके आपको इसका एक डेमो देता हूं और चेक करते हैं कि जैसा कंपनी कह रही है वैसा ही डिवाइस काम करता भी है या नहीं करता। वोजार्ट के स्विच के कनेक्शंस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको किसी भी वॉल माउंट सॉकेट में लगा लेना है, बट वो जो सॉकेट है वो 15 एम्पीयर का होना चाहिए। तो ये मैंने इसमें लगा लिया है और मैंने ऑलरेडी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने मोबाइल के साथ कर रखी है तो मैं इसको अब ऑन करता हूँ। और ऑन होने के बाद इसके अंदर लाइट जल गई है और ये जो लाइट है इसके अंदर वोजार्ट का लोगो विजिबल है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये जो ऊपर बटन है इसका प्रेस करके हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसी बटन का यूज करके इस डिवाइस को रीसेट किया जाता है और इसको मोबाइल के साथ कॉन्फिगर किया जाता है। इस डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल के अंदर वोजार्ट ऐप इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ प्लस वाले साइन पे क्लिक करके ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है और इसके बाद ये डिवाइस ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद ये नीचे यहाँ पे शो होगा और यहीं से इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। आप देखेंगे कि ये मैंने बटन प्रेस करा ऑफ, बटन प्रेस करा ऑन और इसका रिस्पॉन्स टाइम देखो कितना क्विक है, बटन प्रेस करने के साथ साथ ये ऑन और ऑफ हो रहे हैं। तो इतना जल्दी ये इतना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, बटन प्रेस करने के साथ साथ ये डिवाइस ऑन या ऑफ हो जाता है। और ये नीचे डिवाइसेस में आने के बाद इस स्मार्ट प्लग की बिहेवियर को सेट किया जा सकता है, इसके सीन्स ऐड किए जा सकते हैं और ऑटोमेशन में आने के बाद इसकी शेड्यूलिंग सेट करी जा सकती है।
इसके अंदर जियो फेंसिंग है, इसको मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको वॉइस से कंट्रोल किया जा सकता है, इससे 5 एम्पियर वाले और 15 एम्पियर वाले अप्लायंसेस को चलाया जा सकता है। ये एप्पल होम किट, सैमसंग स्मार्ट थिंग्स, एलेक्सा और गूगल होम के साथ कंपैटिबल है। इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये स्विच काफी सस्ते प्राइस पे मिल जाता है, और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रही हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो ये थी वोजार्ट के स्मार्ट स्विच की एक वीडियो, और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाता रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस रेगुलर देखना तो YouTube के ऊपर ग्लिटर्स वुड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं, ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।